उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उपस्थित खानरार पूर्ण भूमि तई जोगीजी के खानरा एवं आसनसोल लोकसभा पक्ष स्वागत बंधुगण अपनारा जान उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री मंचे उपस्थित लोकसभा प्रार्थी एस एस आलुवालिया जी एवं मिथू घाटी एवं आमार जिला सभापति के अनुरोध करब आमादेर जोगीजी के स्वागत करार जन्नो बंदे मातरम ऐ जोगीजी को स्वागतम ऐ आसनसोलेर माटीते जोगीजी के स्वागतम ऐ खानरार माटीते जोगीजी के स्वागतम बंदे मातरम बंदे मातरम बंदे मातरम बीजेपी जनपद बीजेपी जनपद এরপরে আমাদের আসানসোল লোকসভার প্রার্থী সম্মানীয় হয়েছে সালুয়ালিয়া জির সমর্থনে আজকের যে আমাদের এই ঐতিহাসিক সভা এই সভায় যারা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেককে আমি গৌরী অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাবো বহুক্ষণ প্রতীক্ষা আমি আমাদের এস এস সালুয়ালিয়া জি আমাদের লোকসভার প্রার্থী আমি তাকে আমাদের সামনে এসে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করব ভারত মাতা কি দুই মুঠো বেঁধে ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন খান্দার এই ময়দানে আমাদের উত্তর প্রদেশ যাকে বলা হয় উত্তর প্রদেশ নয় একটা ভারত দেশ সেখানকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের যোগীজি আজকে উপস্থিত হয়েছেন খাংড়ার এই ময়দানে আমরা কি কোনোদিন কল্পনা করেছিলাম যে যোগীজি আমাদের গ্রামের এই ময়দানে আসবেন তাই গ্রামের মানুষের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য আজকে উপস্থিত হয়েছে গ্রামে গ্রামে একদিকে মোদিজী সারা ভারতবর্ষে একটা নতুন প্রণালী আরম্ভ করে গ্রামে বাড়ি বাড়িতে জল পৌঁছাবার ব্যবস্থা করেছেন তেমনি উত্তরপ্রদেশের প্রত্যেক বাড়িতে কল আর জল পৌঁছাবার ব্যবস্থা আমাদের মাননীয় যোগীজি করেছেন কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের যে পশ্চিম বাংলার গ্রামগুলোতে কল তো লাগিয়েছে জল নেয় নাই এই জন্য জল নেওয়ার জন্য এবার তাদেরকে ভারতীয় বেঙ্গলের খাড়িতে ফেলতে হবে যাতে জলের ঘরে ব্যবস্থা হতে পারে তাই আজকে এই জনসমাবেশ আজকে নির্ণয় নেবে আজকে এই ফয়সলা করতে বা শুনতে এসেছে যে আমাদের পশ্চিম বাংলার মানুষ কাকে ভোট দিয়ে কার হাত সশক্ত করবে মমতা ব্যানার্জির কাটমানি খাওয়ার জন্য নাকি ভারতীয় জনতা পার্টির দেশকে আরো উচ্চ শিখরে পৌঁছাবার জন্য তাই জন্য আজকে আমি বলি বেশি সময় নেব না তার কারণ আমি তো আপনার কাছে আসতেই থাকবো কিন্তু আজকে যোগীজিকে পেয়েছি যোগীজির কথা শুনব ওনার আশীর্বাদ নেবেন ওনার আশীর্বাদের কথাটা শুনবেন রাম মন্দিরের আসল কাণ্ডারি হচ্ছেন যোগীজি জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম এই কাণ্ডারি রাম মন্দিরের কাণ্ডারি এখন কৃষ্ণ মন্দিরের কাণ্ডারিও হবে রাধে 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 তাই
आज के उनके प्रणाम करे एटुकु बोलबो जे 13 मे जेई भोट होबे ताते बैलेट पेपरे दार्जिलिंग ए आमार एक नम्बर छिलो जीते छिलाम बर्धमान दुर्गापुरे एक नम्बर छिलो जीते छिलाम आसानसोले बैलेटे आमार एक नम्बर बताम आछे आर आपनादेर आशीर्वादे जीते एदेरके विदाय करब एई बोले आमार बक्तव्य शेष करब वंदे मातरम जय हिंद धन्यवाद बंधुगण जार जन्नो अपनारा अधीर अपेक्षा करछेन सेई आमादेर उत्तर प्रदेशेर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आमादेर मध्ये उपस्थित होयेछेन आमी आमादेर योगी जी के बोलबो अनुरोध करब যে আমাদের আসানসোলের মানুষের জন্য এবং খান্দার মানুষের জন্য উনি তার বক্তব্য রাখার জন্য ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি ভারত মাতা কি বন্দে 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 जगत जगन्नी महाभगवती काली के धाम घाघर बूढ़ी मंदिर को नमन करते हुए असंख्य क्रांतिकारियों को देने वाली इस आसनसोल कि आप सभी राष्ट्रवादी जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के आसनसोल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री सम्मान्य श्री एसएस अहलुवालिया जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से बप्पा चटर्जी जी, माननीय विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार जी, श्री कृष्णेंदु मुखर्जी जी, जितेंद्र तिवारी जी, तापस रॉय जी, डॉक्टर बिजन मुखर्जी जी, शरजीत राय जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आसनसोल की इस प्रतिष्ठित पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए सभी उपस्थित मेरे बहन और भाइयों, आज मैं प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या की भूमि से जगत जननी मां भगवती दुर्गा की इस पावन धरा को नमन करने के लिए और बंगाल के अपने भाइयों से अपील करने के लिए, विशेष अपील करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। बहन और भाइयों, बंगाल की परंपरा पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है, लेकिन आज की जो परिस्थितियां बंगाल की हैं, हर भारतवासी उससे चिंतित भी है। भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देने वाला बंगाल अनेक आध्यात्मिक गुरुओं को देने वाला बंगाल भारत की क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला को पैदा करने वाला बंगाल अनेक वैज्ञानिक और साहित्यकारों को जन्म देने वाला बंगाल आज हिंसा अराजकता भ्रष्टाचार की चपेट में आकर के क्यों लौहलुहान है। यह ज्वलंत प्रश्न जब देश की सर्वोच्च पंचायत के लिए हम चुनाव कर रहे हैं,
तब बंगाल के हर जनता जनार्दन के सामने, हर मतदाता के सामने यह प्रश्न स्वतः ही उठना चाहिए। याद करिए, यही बंगाल है, भारत के नवजागरण का संघनाद करने वाला बंगाल, भारत की सांस्कृतिक जागरण का संघनाद करने वाला, भारत की आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रधार, भारत के सन्यासी विद्रोह की आधार भूमि, देश के प्रथम स्वतंत्र समर की ज्वाला को आगे बढ़ाने वाला यह बंगाल, और आज हिंसा की चपेट में है, अराजकता और भ्रष्टाचार से लोलुहान है, अस्त व्यस्त है, त्रस्त है, और अपने अस्तित्व के लिए, अपने वजूद के लिए जूझ रहा है। बहनों और भाइयों, हम में से हर व्यक्ति जानता है 1947 में इस देश का विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था उन कारणों को फिर से बंगाल के अंदर कांग्रेस और टीएमसी के लोग मिलकर के पैदा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। अभी मैं वीरभूमि से आया हूं, इससे पहले मैं बहरामपुर और मुर्शिदाबाद में था, दिल मेरा दुखित हो रहा था देख करके। वीरभूमि में 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 3 ऐसी हैं जिसका पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। वहां पर रामनवमी के जलूसों पर हमले होते हैं। बहनों और भाइयों, ये बंगाल है, 15वीं सदी में बंगला रामायण लिखा गया था, और यही नहीं, जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चल रहा था, इसी बंगाल से गए हुए कोठारी बंदों ने अपने आप को बलिदान किया था राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, गुलामी के ढांचे को हटाने के लिए अपने आप को बलिदान किया था। आज भी कोठारी बंदों का अयोध्या में स्मारक लगातार राम जन्मभूमि के लिए हुए आंदोलनों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन आज इसी बंगाल में जिस बंगाल ने कवि स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज उस बंगाल में जय श्री राम बोलने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आज उसी बंगाल में जिस बंगाल ने कभी बांग्ला रामायण लिखा था, आज जय श्री राम बोलने पर उस पर गोली चला दी जाती है, शोभा यात्राओं पर हमले कर दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, और उपद्रवियों के सामने पूरी की पूरी टीएमसी सरकार मौन बनी हुई है। बहनों और भाइयों, जिस बंगाल ने मातृभूमि के प्रति हमारा सम्मान का भाव क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ममतामयी मां महाकाली की उपासना जगत जननी मां भगवती के रूप में कैसे होना चाहिए, पूरे देश को सिखाने वाला सभ्यता संस्कृति कला और संस्कारों की बंगाल की भूमि में आज संदेश काली की घटना होती है, अपराधी को टीएमसी सरकार बचाने का काम करती है और अपराधियों के साथ जो ममता दीदी की यहां की जनता को मिलना चाहिए था वह ममता अपराधियों को दी जा रही है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं, ये एक नए भारत को बनाने का चुनाव है। अच्छे और उम्र अनुभवी लोग, जुझारू लोग देश की संसद में जाएं, देश को प्रतिनिधित्व दे सके, मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर सके, सम विषम परिस्थितियों में आपके हितों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इस दृष्टि से आज पूरे देश के अंदर एक ही स्वर में लोग बोल रहे हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
अब तक दो चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं बहनों और भाइयों। मुझे देश के अंदर अनेक राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव चल रहे हैं। दो चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। महाराष्ट्र में मैं गया था, राजस्थान में मुझे जाने का अवसर मिला, छत्तीसगढ़ में गया, उत्तराखंड में गया, जम्मू कश्मीर में गया, जहां बिहार में मैं गया, जहां भी जाता हूं एक ही स्वर गूंजता है और वह स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, मोदी सरकार ये जो स्वर है ये अचानक नहीं है। इसके लिए मोदी जी ने 10 वर्ष के अंदर जो कार्य करके दिखाया उसके प्रति जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। जनता जनार्दन का यह आशीर्वाद इसके कारण हो रहा है। यह आशीर्वाद इसलिए क्योंकि 10 वर्ष में मोदी जी ने वह कार्य करके दिखा दिया जो कांग्रेस 65 वर्षों में नहीं कर पाई और जो कार्य बंगाल के अंदर 15 वर्ष में दीदी नहीं कर पाई, उत्तर प्रदेश में मात्र 5 वर्ष में हम लोगों ने करके दिखा दिया। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहे हैं। 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। बंगाल के अंदर दीदी जबरदस्ती लागू नहीं होने देती। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए जो कांग्रेस के लोग पहले सेंधमारी करते थे, आपकी सहायता पर अब मोदी जी ने व्यवस्था कर दी कि जनधन अकाउंट में सीधे पैसा भेजेंगे, डीबीटी के माध्यम से भेजेंगे, बीच की कमीशनखोरी बंद। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को जनधन के अकाउंट खुल गए। 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 57 लाख गरीबों के एक एक आवास बना दिए। लेकिन यहां पे बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने मकान बनने ही नहीं दे। 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली पहुंच गई। हर घर नल की योजना बन रही है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, ये पहली बार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमें अफसोस है, टीएमसी की सरकार आसनसोल की जनता को पानी के लिए ही तरसा देती है। मोदी जी हर घर नल की योजना लागू करना चाहते हैं लेकिन ये पानी नहीं देना चाहते। और इसलिए बहनों और भाइयों, हम सब आपके पास आए हैं 5 वर्ष में। यहां पे मैं देख रहा था, ये सज्जन भगवान राम की फोटो लेकर के खड़े हैं। थोड़ा उधर भी दिखा दीजिए, पब्लिक को भी दिखा दीजिए। देखो, अब देखो, यहां पे रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकल रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 स्थानों पर दुर्गा पूजा के आयोजन होते हैं, 50,000 स्थानों पर। और पिछले 7 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी जगह कर्फ्यू नहीं लगा। क्योंकि दंगा करने वाले और कर्फ्यू लगाने वालों को पता है, अगर दंगा करेंगे, सिर्फ रामनवमी की जुलूस पर पथराव करेंगे तो ऐसा उल्टा लटका देते हैं कि 7 पीढ़ियां भूल जाती है उनका दंगा करना भूल जाती है। उनकी पूरी संपत्ति को फिर हम लोग अपने कब्जे में ले लेते हैं और उस कब्जे को गरीबों में बांट देते हैं, उस संपत्ति को गरीबों में बांट देते हैं। और अब तो आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में, आप देखते होंगे वहां जो बड़े बड़े माफिया थे, बड़े बड़े अपराधी थे, बहनों और भाइयों, वे गले में तख्ती लटका करके चलते हैं, कहते हैं साहब जान बकस दो, एक बार जान बकस दो,
हम लोग ठेली लगा करके पेट भर देंगे, किसी गरीब और किसी व्यापारी और किसी बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगाएंगे। बहनों और भाइयों, यह कार्य केवल भाजपा कर सकती है, भाजपा कर सकती है, और इसीलिए मैं आया हूं। देखो ना, आपको एक शेर जैसा नेतृत्व चाहिए और एसएस अहलूवालिया जैसा नेतृत्व आपको यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। बहनों और भाइयों, जोरदार करतोत ध्वनि से उनका स्वागत करिए अहलूवालिया जी का। बहनों भाइयों, मैं इसलिए आया हूं यहां पे क्योंकि अहलूवालिया जी आज से नहीं है नेता। हम लोगों ने जब संसद में जाना प्रारंभ किया था, सार्वजनिक जीवन में हम लोग आए थे, तब भी वह देश के नेता थे और संसद में भी हम साथ साथ रहे। केंद्रीय मंत्री के रूप में भी आपने काम किया, भाजपा के प्रवक्ता के साथ साथ विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, और आज आसनसोल का सौभाग्य है कि भारत माता का एक ऐसा सपूत आज आपके बीच में, जो इसी माटी का सपूत है, जिन्होंने इसी आसनसोल में जन्म लेकर के यहां के विकास के बारे में, भारत के विकास के बारे में, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए और मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए जिनमें जज्बा है कार्य करने का, शेर जैसा दिल है, जूझने की एक प्रवृत्ति है, ऐसे ऐसे अहलूवालिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने अपना प्रतिनिधि बना करके आसनसोल में भेजा है। और इसलिए बहनों भाइयों, मैं आपको कहने के लिए आया हूं, सुरक्षा आपकी है, बंगाल भी आपका है, भारत भी आपका है और वोट भी आपका है, और इसलिए निर्णय भी आप ही को करना है। और आपका निर्णय अगर भाजपा के पक्ष में आता है तो सुरक्षित और समृद्ध बंगाल बनेगा, सुरक्षित और समृद्ध आसनसोल बनेगा। बहनों और भाइयों, तनिक भी भूल आतंकवाद के उस दौर को ला देगा, नक्सलवाद के उस दौर को ला देगा जहां विस्फोट होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी का वह दौर जो भारत ने झेला है। बहनों और भाइयों, बंगाल को भी चाहिए यूपी जैसा मॉडल, चाहिए ना, चाहिए ना। देखो ना, पहले लोग कहते थे जब कोठारी बंधु बलिदान हुए थे तब नारा लगता था, अंतिम समय में भी उन्होंने एक नारा लगाया था कि रामलला हम आएंगे, यही नारा लगता था ना। ये कांग्रेस और टीएमसी के लोग, ये नाम भले ही अलग अलग हैं लेकिन एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई अलग नहीं है। लूट में, अराजकता में, भ्रष्टाचार में, ये तीनों, कांग्रेस, टीएमसी और कम्युनिस्ट, ये तीनों एक ही है। नाम भले ही अलग अलग होगा क्योंकि लूट का तीनों का तरीका अलग अलग है लेकिन तीनों एक हैं। इसलिए तीनों पे विश्वास नहीं करना, हमें आध्यात्मिक परंपरा को समृद्ध बनाने के लिए कार्य करना है और आध्यात्मिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं, यही कहने के लिए कि यह हमारा दायित्व बनता है कि गुरुओं की भूमि को, आध्यात्मिक गुरुओं की इस भूमि को, क्रांतिकारियों की इस भूमि को, मोदी जी के विजन के अनुरूप सोनार बनाने के लिए 13 मई के लिए चौथे चरण में आपको चुनाव करना है। बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान प्रत्याशी का घर घर जाना कठिन होगा, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी काफी विस्तार होती है, और मेरी आप सबसे अपील होगी मोदी जी का प्रतिनिधि बन करके, अहलूवालिया जी का प्रतिनिधि बन करके घर घर आप स्वयं जाइए, कमल चुनाव चिन्ह के लिए वोट लाइए, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है ईवीएम मैं पहले नंबर पर, एसएस अहलूवालिया जी का नंबर है कमल छाप का, और पहला बटन दबाना है, इसके लिए सहमत हैं? घर घर जाएंगे, सुरक्षित और समृद्ध बंगाल बनाएंगे,
आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। सभी लोग सहमत हैं तो मैं निश्चित होकर के जाऊंगा कि अहलूवालिया जी भारी बहुमत से विजयी बनेंगे। सहमत है ना? किसी बहकावे में तो नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। सभी को सभी सहमत है ना? तो भाई आप देखना, आप भी ऐसे आगे बढ़ेंगे जैसे आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आसानी से हो गया। सहमत है ना? कितने लोग अयोध्या गए? गए ना? पहले में और अब में अंतर आया होगा ना? अब तो अच्छा लगा होगा ना बंगा वहां पे? और बहनों और भाइयों, जैसे अयोध्या आज आपकी लगती होगी, ऐसे ही बंगाल को भी बनाना है। सहमत है ना? सभी लोग सहमत हैं तो सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वंदे मातरम, जोगी जी को स्वागतम, जोगी जी को जय श्री राम, जोगी जी को जय श्री राम।